समीर चिकरजी तीर्थ को लेकर मध्य भारत संवाददाता के मुनिराज पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब से खास बातचीत। जेएनयू के हृदय स्थली कही जाने वाले समीर चिकरजी को लेकर संसद में जो पर्यटक स्थल बनाने की बात कही गई, उस पर सुनिए राष्ट्र संत ऋषभ चंद्र सूरवीर जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनिराज पीयूष विजय जी महाराज साहब ने क्या। साथियों, हमारे साथ जुड़े हैं आज जैन मुनि पीयूष चंद्र विजय जी। जैसा कि जैन तीर्थ शिखर जी पर जो सांसद द्वारा पर्यटक स्थल बनाने की जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? 20 तीर्थंकर परमात्मा की निर्वाण स्थली भूमि है, जैन समाज के श्रद्धा का केंद्र है और जहां भक्ति का संगम होता आया है, लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, तो पर्यटक स्थल नहीं होना चाहिए। और पर्यटक स्थल होने से वहाँ की जो पावनता है, पवित्रता है, शुद्धता है, निर्मलता, वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को ठेस पहुँचाया है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल माध्यम से कि समस्त जैन समाज जागृत होकर के श्वेतांबर दिगंबर सभी संप्रदाय के श्रावक श्राविका सभी महिला पुरुष इकट्ठे होकर के एक आंदोलन करें और इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में हम शांति प्रिय जिस समाज से अहिंसा परमो धर्म का हम संदेश देते हैं, तो अहिंसा के भावों के साथ आप ज्ञापन दें। गांव गांव नगर नगर डगर डगर जहां एक एक घर भी हैं, समाज के दो चार घर भी हैं, वो भी जाकर के तहसीलदार को दे, अपने पुलिस चौकी पर दे, कलेक्टर को दे, भारत जहाँ जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ के CM को दे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं उन तक अपनी भावनाओं को पहुँचाए कि भाई हमारे जैन समाज को इस बर्बादी से बचाए, हमारी श्रद्धा को बहुत दुख लगा है। जैसा कि आपने जो बताया और उसके बाद भी अगर सांसद या माननीय नरेंद्र मोदी इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो जैन समाज क्या करेगा? मैं जैन समाज के सभी संतों को, सभी संप्रदाय के संतों को आह्वान करना चाहता हूँ कि दिल्ली की ओर सब कुछ करें, दिल्ली का पार्लियामेंट का और संसद भवन का घेराव करें और एक विशाल विराट आंदोलन करें। इसके लिए सबसे पहले मैं एक त्रिस्तुति श्री संघ का मोहन खेड़ा महातीर्थ का एक संत हूँ, मेरे गुरुदेव ज्योतिष सम्राट विश्व विख्यात राष्ट्रीय संत ऋषभ चंद्र श्रीश्वर जी थे, मैं उनका शिष्य मुनि पीयूष चंद्र विजय आह्वान करता हूँ कि सबसे पहले मैं वहाँ जाकर के आमरण अनशन आंदोलन की शुरुआत करेंगे और मैं चाहता हूँ कि जैन संप्रदाय के समस्त श्वेतांबर दिगंबर संत मुनिवर आचार्य भगवंत भी इस पर गंभीरता से चिंतन करें और सब दिल्ली की ओर प्रयाण करें। जनवरी के अंदर एक विराट महायज्ञ हो और दिल्ली के अंदर उस यज्ञ के अंदर हम आहुति दें, किसकी, कोई यज्ञ हिंसात्मक भाव का नहीं, अहिंसा का, विराटता का और संगठन का वहाँ पर हो यज्ञ, उस संगठन की एकता की मिसाल वहाँ कायम हो और देश के प्रधान संत मुनिवर आचार्य भगवंत भी इस पर गंभीरता से चिंतन करें और सब दिल्ली की ओर प्रयाण करें। जनवरी के अंदर एक विराट महायज्ञ हो और दिल्ली के अंदर उस यज्ञ के अंदर हम आहुति दें, किसकी, कोई यज्ञ हिंसात्मक भाव का नहीं, अहिंसा का, विराटता का और संगठन का वहाँ पर हो यज्ञ, उस संगठन की एकता की मिसाल वहाँ कायम हो और देश के प्रधानमंत्री हो या चाहे कोई भी हो उनको आखिर झुकना पड़ेगा, जैन समाज की बात मानना पड़ेगा। जैन संत के लिए एक बात कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि जैन संत शास्त्र का अभ्यासी होता है, शास्त्र के साथ में जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठा लें। जैन संत को कहा गया है कि वे माला गिने पर समय आए तो भाला भी अपने हाथ में ले और इस तीर्थ की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े, अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो दे और इस तीर्थ का बचाव, तीर्थ की सुरक्षा का दायित्व सभी का होता है। सब कदम से कदम मिलाकर तीर्थ की पावनता को बरकरार बनाए रखें।